हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह। आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं बुलेट्स, कि हम बुलेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे कि अगर आप इसको लेते हैं और कॉपी करते हैं और आप अपने वर्ड में ले जाते हैं, वर्ड के अंदर में आप इसको इजीली बुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कॉपी करके, और इसलिए इसको हम सिलेक्ट करके और इसको यहाँ से हम बुलेट लगा सकते हैं। यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग होती है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। बट इन एक्सेल कैसे करें, इन एक्सेल आप बुलेट्स कैसे लगा सकते हैं? मान लिया, ऐसा तो नहीं कि इसको कॉपी करके ले जाए पेस्ट कर दे, कर ही सकते हैं, लेकिन एक्सेल में बुलेट कैसे लगेगा? सबसे पहले इसके बाद में जानना होगा कि इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आपके पास होता है सैम्पल। आप सैम्पल पे आइए। अब यहां पे जो सैंपल आपको चाहिए उस सैंपल क्लिक कीजिए, जो भी सैंपल आप चाहते हैं लगाना। यहां पे आपको अपने सैंपल्स का ये मिल जाएगा कि जो सैंपल आप लगाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये लगाना है, ये सैंपल को इंसर्ट किया एंड ओके किया और फिर इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद फिर आपको जाना है, सिलेक्ट करना है इसमें और फॉर्मेट पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे आना है, कस्टम में जाना है और कस्टम में आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस बुलेट्स को पेस्ट कर देना है। उसके बाद एट द रेट करना है, उसके बाद क्या करना है, एट द रेट करना है। और जैसे आप ओके करेंगे, यहां देखिए आपके बुलेट्स लग गया। तो इस तरह की बुलेट्स को इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये ट्रिक्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ट्रिक्स के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें या मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।